कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान उत्तेजना में ऐसा बयान दिया था जिसके लिए उन्हें खेद है। राहुल ने राफेल मामले में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है। राहुल के इसी बयान के बाद बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने याचिका दायर करके राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की शिकायत दर्ज करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट की अवमानना करने पर यह नोटिस जारी किया था। भारतीय जनता पार्टी की नेता मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी। राहुल ने राफेल मामले पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है और कहा है कि उन्होंने उत्तेजना में ये बयान दिया था। ये बात उस नोटिस के जवाब में दी गई है जिसमें राहुल गांधी ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिर मान लिया है कि आखिरकार चौकीदार चोर है। इस बयान को लेकर बीजेपी के सांसद ने कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की थी। उसके बाद में कोर्ट की ओर से उन्हें नोटिस दिया गया था और नोटिस का जवाब राहुल गांधी ने दिया है। राहुल गांधी ने इस बयान को लेकर के खेद प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे इस बयान को लेकर खेद है, ये मैंने उत्तेजनावश कह दिया था। बयान पर राहुल गांधी ने अपना खेद प्रकट किया है।